अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। रिमोट का पुश बटन काम नहीं करता, यानी टैंकी के अंदर पानी भी होता है उसके बावजूद जब हम पुश बटन को पुश करते हैं जो है ना, पानी यहाँ पर वेस्ट नहीं होता। तो इसको किस तरह रिपेयर करना है, इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीका बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना इंतज़ार किए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर मकबूल आरपी। सबसे पहले आपने क्या करना है मैं आपको बता दूं, ये पुश बटन लगा हुआ है इसको आपने घुमाना है, क्योंकि इसके अंदर एक चूड़ी लगी होती है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन है, बिल्कुल ही आसान तरीका, आप घर के अंदर ख़ुद भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। ये बाहर आ जाएगा, इसको आपने एक साइड पर रख देना है और इसको आराम से उठाना है। इस तरह उठाने के बाद जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ से जैसे हम पुश बटन करते हैं तो ये ऊपर उठता है। ये इसकी जो जंजीर ही है, ये रिंग इसका टूट चुका है, इसको जो है ना आपने मिलाना है, उसके बाद आपको पुश बटन सही काम करेगा। तो हम इसको आपको मिलाने का तरीका बताते हैं। जैसे कि दोस्तों ये आप देख रहे हैं, इसका मुंह आपने एक तरफ से खोल लेना है प्लास के ज़रिए। ये सिंपल खुल गया, इसके अंदर हम जो नीचे वाली जंजीर है ये इसके अंदर डालेंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये प्लास के ज़रिए जो है ना, आप इसको हमने फिट कर लिया है। अब जैसे अब दोबारा से आपने पुश बटन को किस तरह लगाना है, ये आराम से इस ढक्कन को रखना है आपने इस तरह, और ऊपर से इसको ये पुश बटन को आपने लगाना है ऐसे सीधा, और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा बैलेंस में रखना है ताकि चूड़ी लगने में मसला ना बने। अब इसको हम चेक करने जा रहे हैं, देख सकते हैं ये बिल्कुल सही तरीके से आप काम कर रहा है। दोस्तों इसका पुश बटन जो है ना बिल्कुल अच्छी तरीके से रिपेयर हो चुका है। तो ये सिंपल सा सलूशन था। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मज़ीद अगर कोई कमोड के बारे में मसला आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अब तक के लिए खुदा हाफिज़।